सो गाइस ये है जूमिंग 0.5 पे, ये 1 पे मैंने। अगर आप फोन से मोटर ब्लॉग करना चाहते हैं और रैप कराने वाला हूँ भाई। अरे भाई क्या कर रहा है। तो जी आप लोगों को पता ही होगा हमने एक फोन खरीदा था। आगे सो गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। मैं हूं करण बोला, एक्सपाइ स्वागत करता हूँ आपका और एक वीडियो। सो आप लोगों को पता ही होगा हमने एक फोन खरीदा था। सो रुको मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा कुछ इस पर। अरे ये नहीं, मुझे क्यों तोड़ा। रहा इस प्रकार का कुछ अपना फोन जो कि था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं और मोटो व्लॉग भी करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा मैं फोन से मोटो व्लॉग करता हूँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसका क्लियरिटी चेक करेंगे। बेसिकली मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ओपन कैमरा ऐप और अपना एक लेंस जो कि है APX-L का। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी फिलहाल, अब भी कर दो और फटाफट कर दो। और भाई ये 5 में मिल गया आपने को, इसका कैमरा क्वालिटी चेक करते हैं। आईफोन 11 भी मिल सकता है यार इससे, इस प्राइस रेंज में आईफोन 11 भी आप लोगों को मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे सैमसंग S21 3 है या आईफोन 11, इन दोनों का कैमरा बढ़िया से चेक करके। सो जी मोटो व्लॉग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेलमेट जो कि स्टील बट का है। बेसिकली ये एक हेलमेट स्ट्रैप होल्डर है जो कि आप लोगों को पता ही होगा, और ये छोटा सा एक लेंस जो कि इसका एक सीक्रेट है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा मोटो व्लॉग करते वक्त। तो जी अपन लोग निकल चुके हैं और ये रही अपनी चाइना मैन वाइला बाइक, इसको लेकर आप चलते हैं एक मोटो व्लॉग में छोटा सा। अगर आप लोग नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अपनी बाइक है वाइला जो कि FZ V3 है। तो इसके साथ ही मैं मोटो व्लॉग करता हूँ बेसिकली, बहुत बाहर बाहर का भी वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा सा ATM पे, ATM से थोड़ा सा निकालना है अपने को मुद्रा, पता है ना आप लोगों को मुद्रा मतलब पैसा, थोड़ा सा पैसा निकालना है। उसके बाद चलेंगे अपन लोग एक छोटा सा राइड पे, पीछे बैठा हुआ है मेरा भाई और आई होप आप लोगों को मोटो व्लॉग पसंद आएगा। और इसका भाई बेसिकली 10,386 किलोमीटर हो चुका है। सो इसका भी सर्विसिंग ड्यू है। अगर आप फोन से मोटो व्लॉग करना चाहते हैं और अगर आपको करना है फोन से मोटो व्लॉग तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और मैंने बनाया भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। तो फिलहाल ये है अपना छोटा सा एक सिटी फिल्टर जो कि काफ़ी खूबसूरत है भाई। मौसम भी आज बहुत ही प्यारा है, बेसिकली 4 बज रहा है लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए सोचे कि थोड़ा सा निकलते हैं मोटो व्लॉग करने। ये है अपना नेशनल हाईवे पॉइंट और ये अपना देख सकते हैं, और थोड़ा सा हाई स्पीड में भी इसका चेक कर लेते हैं रिजोल्यूशन और बाकी सब कुछ कैसा है। बेसिकली इधर अभी खुला रास्ता मिलता नहीं है चलाने के लिए, सो यही सब में चलाना पड़ता है। और बहुत ही जल्द मैं अपना वायरा मतलब इस बाइक का रैप कराने वाला हूँ भाई। अगर आपको नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ, अपना बाइक का थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, अपना बाइक का होने वाला है रैप काफ़ी तगड़ा होगा और आई होप बस माइक का इशू ना हो। और मौसम काफी ज्यादा प्यारा हो रहा है, काफी ज्यादा यहाँ पर देख रहे हो जैसे भी क्या सर्विसिंग चल रहा है। अबे भाई क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे नमूने मिल जाते हैं आपको रोडों पे अगर आप मोटो व्लॉग कर रहे हैं और बाइक चला रहे हैं। और रास्ता अभी थोड़ा सा खाली है, थोड़ा सा खींचते हैं बेसिकली 60-70 सही। अपना बाइक में ये बाइक का स्पोर्ट्स बाइक लेने का एक फायदा क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। देता हूँ स्पीड में भी रहने से आप लोगों को फील नहीं होता कि बाइक स्पीड पे है, तो इतना मैं इसमें 50-55 चला रहा हूँ लेकिन मेरे को फील हो रहा है 30-40-20 का फील हो रहा है। तो इसका जूमिंग है 30x, काफी बढ़िया है लेकिन 10-15 तक सही रहता है, उसके बाद थोड़ा सा इसका डामाडोल हो जाता है जूमिंग, लेकिन ठीक है यार इतने प्राइस रेंज में मेरे को जितना तक लग रहा है आईफोन 11 तो काफी बढ़िया करेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि मैंने अभी आईफोन 11 नहीं देखा इसका कैमरा। सो भाई लोग अपन लोग आ चुके हैं यहाँ पर और मैं इस फोन का आपको जूमिंग भी करके दिखाऊंगा अभी आज के इस वीडियो में। सो गाइस ये है जूमिंग 0.5 पे, ये 1 पे मैंने किया और ये 3 पे अभी आएगा और ये है 12x तक। और एक चीज इस फोन के बारे में चेक करना है जो कि इसका स्टेबिलिटी है, तो भाई मैं दौड़ रहा हूँ आप लोग जैसे कि देख सकते हो दौड़ रहा हूँ, इस पे स्टेबिलिटी इसका कैसा आ रहा है आप लोग बताना, एडिटिंग के वक्त मेरे को पता चलेगा, तो देख लेना आप लोग स्टेबिलिटी कैसा है। तो मैं और एक बार दौड़ के इस टाइप चल जाता हूँ अपने बाइक के पास, मेरा बाइक में आ रहा हूँ तेरे पास। अब
अगर आपको पब्लिक रिएक्शन, अगर आपको इस बाइक के माइलेज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई लोग, और पब्लिक का रिएक्शन भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, जो बोलोगे वैसा वीडियो ला के देंगे आप लोगों के लिए। हम खींचते हैं 80 तक जाएंगे, ज़्यादा नहीं, देखते हैं ये स्टेबल है या नहीं। स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ, आप अपने घर पे लोग। अभी थोड़ा सा मैंने चेक किया तो थोड़ा सा आवाज़ फटाफट आ रहा था भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई। टाइम मैंने उस माइक के साथ किया है एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा आप लोगों को मौका नहीं दूंगा शिकायत करने का। और इसीलिए कर रहे हैं, सही है, लेकिन आई होप कैमरा, आई होप बस माइक का इशू ना हुआ हो, बाकी तो बढ़िया है, ये गिर नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी नहीं कर रहा है हेलमेट पे। इसका वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर देना भाई, ठीक हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आई लव यू ऑल, बाय बाय।